100 करोड़ रुपयों की वसूली मामले की जांच कर रहा प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख के खिलाफ चार्जशीट दायर कर सकता है। तथाकथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की टीम ने अनिल देशमुख को 2 नवंबर को गिरफ्तार किया था, जबकि उनके निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को इससे पहले ही जून महीने में गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों के खिलाफ 24 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की गई थी। अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया था। ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग और वसूली के आरोपों से जुड़ा हुआ है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने गृह मंत्री रहते हुए सचिन वझे से हर महीने 100 करोड़ रुपए देने की मांग की थी। इस मामले में सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर कार्रवाई की। आरोप है कि देशमुख जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे तब उन्होंने बार और रेस्टोरेंट मालिकों से 4,07,00,000 रुपए वसूले थे। ये रकम दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 के दौरान वसूली गई थी और इस रकम को मुंबई पुलिस के असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वझे के जरिए वसूला गया था। देशमुख शुरू से ही ईडी द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा बता रहे हैं। देशमुख ने दावा किया है कि जांच एजेंसी ने मामले की जांच में गैर पारदर्शी और अनुचित तरीका अपनाया है। ईडी ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक स्तर के करीब 12 अधिकारियों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें प्रमुख सचिव, आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी शामिल हैं। यह जानकारी सामने आई कि देशमुख के कहने पर इनके तबादले हुए थे। जिन अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए उनमें सबसे बड़ा नाम पूर्व मुख्य सचिव सीताराम कुंटे का था। कुंटे से 7 दिसंबर को लंबी पूछताछ हुई थी। ईडी कार्यालय से निकलने के बाद कुंटे ने कहा कि उन्हें ईडी ने अनिल देशमुख मामले के संबंध में कुछ जानकारी के लिए बुलाया था और उन्होंने वही उपलब्ध करवाई। इसके अलावा पुणे पुलिस के डीसीपी ट्रैफिक राहुल श्रीरामे, अकोला जिले के एसपी जी श्रीधर के नाम प्रमुख थे। अब महाराष्ट्र की राजनीति कैसी करवट लेती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा।